मैं किशनधर तिवारी आप सभी को कक्षा 8 का गणित पढ़ा रहा हूँ। मेरे तरफ से सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद। देखिए कक्षा 8 में पहला अभ्यास परिमेय संख्या भिन्न है। भिन्न को जानना चाहिए पहले। हमने लिखा कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न जब किसी वस्तु को कई भागों में बांट दी जाती है तो उसके प्रत्येक भाग को भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए हमारे पास में ये एक वस्तु है तो ये पूरा एक वस्तु कहलाती है। इसके हमने दो भाग कर दिए, चार भाग कर दिए। चार भाग में से जिसको जितना मिला, किसी को दो भाग मिला तो कहा गया उसको 2/4 भाग मिला। अर्थात अब ये इस वस्तु को बांट दिया गया जिसमें से दो हिस्सा एक व्यक्ति को मिला उसको कहते हैं 2/4। किसी को एक भाग मिला तो उसको कहते हैं 1/4। दूसरे को फिर मिला 1/4 और ये संपूर्ण भाग हो गया 4/4। अर्थात पूरी संख्या तुम्हारी हो गई। तो ये तुम समझ गए होंगे कि जब किसी वस्तु को बांट दिया जाता है तो उसे भिन्न कहते हैं। अब भिन्न कई प्रकार के होते हैं। भिन्न दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार में नंबर एक साधारण भिन्न, नंबर दो दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न तीन प्रकार की होती है। पहला सम भिन्न या उसे उचित भिन्न भी कहते हैं। जिस भिन्न में अंश कम और हर अधिक हो उसे सम भिन्न कहते हैं। जैसे 4/5, 5/7, 3/4 आदि, ये सम भिन्न कहलाती है। विषम भिन्न जस्ट इसका उल्टा होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। उसका परिभाषा लिख दिया मैंने कि जिस भिन्न में अंश अधिक और हर कम हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 5/4, 7/5, 8/3 आदि। फिर आ गया मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। देखो यहाँ हमने सबसे पहले बताया कि एक पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या को जब बांट दिया गया तो वह भिन्न कहलाया। यहाँ मिश्र भिन्न में पूर्णांक संख्या अर्थात पूरी संख्या और सम भिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। संयुक्त भिन्न अर्थात मिला हुआ पूर्णांक संख्या भी उसमें है और सम भिन्न भी है। ये सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, इसको तुमने कक्षा 7 में भी पढ़ा होगा, कक्षा 6 में भी पढ़ा होगा और कक्षा 8 में भी। ये तुम्हारा पहला चैप्टर है। नीचे आया दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कक्षा 8 से शुरू हुआ। शुरू तो पहले से भी है लेकिन उसका विस्तार पूर्वक कक्षा 8 में बताया गया, पहले चैप्टर में अंतिम अभ्यास में लिखा है। दशमलव भिन्न दो प्रकार का, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव का हमने परिभाषा लिखा कि जिस भिन्न के हरों का गुणनखंड 2 अथवा 5 हो या दोनों हो उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे 7/10, 5/8, 3/20 आदि। इसका एक परिभाषा और है कि जब भिन्न को उसके हर से अंश को भाग देंगे और भाग देने पर शेष शून्य आएगा तो वह शांत दशमलव कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 7/20। अब ये शांत दशमलव है। इसको सिद्ध करने के लिए हम 20 से 7 को भाग देंगे। दशमलव लगाया तो हो गया 70, 20 3 60, 10 शेष आया। एक बार दशमलव लगाने से एक बार बार हम 0 बढ़ा सकते हैं, एक ही 0 बढ़ाएंगे। यहाँ हो गया 100, 20 5 100, शेष कुछ नहीं बचा, इसलिए यह शांत दशमलव कहलाता है। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव जिसमें शेष कुछ ना कुछ जरूर बचेगा उसे अशांत दशमलव कहते हैं। परिभाषा भी हमने लिख दिया कि जिस भिन्न के हरों का गुणनखंड 2 अथवा 5 ना हो
यानी जिसका दो और पांच गुणनखंड जिस हर का ना हो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे 2/7, 3/11, 4/13 आदि। अब हम जैसे हमने यह सिद्ध कर दिया भाग्य करके कि शेष कुछ नहीं बचा, यहाँ भी देखिए जैसे लिखा है 2/7, इसको 7 से 2 से भाग दीजिए तो 7 × 2 = 14, 26 = 60, 7 × 8 = 56, 4 = 60, 40, 7 × 5 = 35, 5 = 40, 50, 7 × 7 = 49, 1 = 50, 10, 7 × 7 = 7, 3 = 10, 30, 7 × 4 = 28, 2 शेष बच गया। देखिए इसको हमने भाग दिया, हम यहाँ तक ले गए लेकिन कटा नहीं, 2 ही शेष बचा, इसलिए अशांत दशमलव कहलाता है। दूसरी बात इसमें और ध्यान दें, हमने जहाँ से भाग देना शुरू किया था शेष यहाँ वही बचा, तो इस पे जब हम और आगे बढ़ते हैं, जब आप पहुँचेंगे वर्गमूल घन वर्गमूल में और दशमलव का वर्गमूल लगाना होगा, तो इस पे हम जब आंसर लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं 0.28514 और इस पे एक बार लगा देते हैं, इसको बार बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अब पुनः जब फिर हम भाग देंगे तो बार बार यही संख्या आएगा। कहीं कहीं देखा जाता है जैसे लिखा है इसी चैप्टर में है, ध्यान दीजिएगा 1/3, और जब 3 से हमने 1 को भाग दिया तो 3 × 9 = 9, 1 = 10, 3 × 9 = 9, 1 = 10, बार बार 3 3 ही आ रहा है। तो इसको हम इतना लिखने के बाद में आंसर लिखते हैं 0.3 और उस पर बार लगा दिया। इसका यह संकेत देता है कि आप जितनी बार लिखना चाहें 3 3 3 3 3 लिख दे सकते हैं, इसके बाद में और कुछ नहीं आएगा। कभी कभी होता है 2-2 संख्याएं मिलती है, जब तुम भाग दोगे सवाल लगाओगे आगे पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव अशांत दशमलव हो गया, तुम्हारे सारे भिन्न हो गए। अब एक चीज और इसमें बताना है, अब देखो भिन्न में आता है भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ या घटाओ, भिन्न को जब जोड़ना होता है या घटाना होता है तो उसे जब भी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उसके हर बराबर हों। जैसे 3/5 धन 4/5 बराबर हो गया 7/5। यदि इसके हर बराबर नहीं है तो इन्हें तुम नहीं जोड़ सकते हो। जैसे 3/4 धन 4/10, तो सबसे पहले इसके हर को बराबर करना होगा। हरों को बराबर करने की दो विधि, जब आप प्राइमरी थे प्राइमरी में थे तो इसको गुणा करके लगाते थे, यहाँ लासा का प्रयोग होगा, 4 और 10 का लासा पा माने लघुत्तम समाप वर्त, 4 10 का लघुत्तम हो गया 20, 4 × 5 = 20 और 5 × 3 = 15, धन 10 × 2 = 20 और 2 × 4 = 8, 15 × 8 = 23/20। इस प्रकार से तुम्हारा चाहे जोड़ हो और चाहे घटाओ हो, घटाना होता तो धन की जगह पर ऋण लग जाता तो घटा देते, और जब जोड़ना था तो हमने जोड़ दिया। आगे तुम्हारे चैप्टर में आता है, अब देखिए ये तो था जोड़, अब घटाओ लगाते हैं। घटाओ 5/10 ऋण 1/3, 10 × 3 का पहले हम लासा निकालेंगे इस प्रकार से, 2 × 5 = 10, 3 नहीं कटेगा, फिर 3 से 3 = 3, फिर
फिर पांच से जब लासा निकालते निकालते एक आ जाए तो छोड़ देते हैं। लासा बराबर होगा दो गुड़े तीन गुड़े पांच, द्वितीय छह पंचे तीस, इसका लासा हो गया। इसको हमने यहाँ लिख दिया तीस, दत्तियाँ तीस, तीन पचे पंद्रह, ऋण तीन दहन तीस, दस एक कम दस, पंद्रह में से दस गई पाँच बटा तीस, ये आंसर हो गया। और ध्यान दीजिए, उत्तर जब भी लिखा जाता है तो सरलतम भिन्न में ही लिखा जाता है। सरलतम भिन्न, भिन्नों को सरल करना। सरल करने के लिए जिस संख्या से ऊपर काटोगे उसी संख्या से नीचे काटोगे तो वो सरलतम भिन्न होगा। जैसे पाँच छक्कम पाँच और पाँच छक्के तीस, एक बटा छः इसका आंसर आ गया। अब आगे जब तुम किताब खोलोगे तो पाओगे उसमें मिलता है तुम्हें समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न में होता है अंश दिया होता है, हर दिया होता है तो कहते इतने के समान लिखो, इतने के समान लिखो। जैसे एक सवाल देखिए, लिखा है कि तीन बटा चार को निम्नलिखित हरों के अनुसार लिखिए, जैसे बारह सोलह आठ आदि। अब यहां देखो हम लिखेंगे तीन बटा चार, इसका हर बारह होना चाहिए, गुणे चार से बारह को भाग दो कितनी मरतबा जाएगा, चार तिया बारह, तीन बटा तीन अर्थात नौ बटा बारह। अब ये नौ बटा बारह जो है ये तीन बटा चार के समतुल्य भिन्न है। यहाँ लिखा है सोलह, दूसरा सवाल लिखेंगे तीन बटा चार गुणे चार चौक सोलह, चार बटा चार, तीन चौक बारह बटा चार चौक सोलह, चाहे बारह बटा सोलह कहिए या तीन बटा चार, इसके समतुल्य भिन्न ये है। तीसरा है आठ, तीन बटा चार गुणे चार दुन्नी आठ, दो बटा दो, तीन दुन्नी छः बटा चार दुन्नी आठ, तीन बटा चार के समतुल्य भिन्न है नौ बटा बारह, बारह बटा सोलह और छः बटा आठ। कभी कभी देते हैं कि इस भिन्न को निम्नलिखित अंशों के अनुसार लिखिए, तो जब उसमें अंश दिया होता है तो ठीक इसी प्रकार से अंश की जगह लिखते हैं और अंश से भाग देते हैं तो ये समतुल्य भिन्न हो गया। दूसरा चीज, भिन्नों में कहते हैं योज्यों का क्रम बदलने पर उसका योगफल नहीं बदलता है लेकिन घटाओं में बदलता है। कैसे बदलता है, दो बटा तीन ऋण चार बटा तीन धन पाँच बटा छः। अब देखो इसमें यह दर्शाता है कि इसको हम पहले जोड़ेंगे तब इससे में से घटाएंगे, और दूसरा होता है दो बटा तीन ऋण चार बटा पाँच धन पाँच बटा छः। अब दोनों में देखो अंतर आएगा, ये हो गया दो बटा तीन ऋण तीन छः का लघुत्तम लिया तो हो गया छः, तीन दुनी छः दो चौके आठ धन छः कम छः पाँच, ये हो गया दो बटा तीन ऋण आठ पाँच तेरह बटा छः, तीन छः का लघुत्तम छः तीन दुनी छः दो दुनी चार ऋण छः कम छः तेरह, तेरह में से चार गई माइनस नौ बटा छः उत्तर आया। और वही चीज हमने यहाँ लगाया,
तो पहले इसको हल किया तो इसका हर समान है, चार में से दो गई माइनस दो बटा तीन धन पाँच बटा छः, छः तीन का लघुत्तम आया छः, तीन दुन्नी छः, दो दुन्नी चार, धन छः एक कम छः एक पंचे पाँच, पाँच में से चार घट गया तो इसका आंसर आया एक बटा छः। सारे अंक एक ही हैं, केवल योजों का क्रम बदल दिया गया तो आंसर अलग अलग हो गया। अब हम अगले दिन और इसे विस्तार पूर्वक बताएंगे। आज के लिए हमारी पढ़ाई यही समाप्त। बच्चों इसको ठीक से देखिएगा और पढ़िएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसको पढ़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जाने कि हमारे कितने शिष्य हैं जो इसको पसंद करते हैं।